हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो मतलब बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मतलब क्या होता है कि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे। एग्ज़ाम के बाद एकदम मतलब कि थोड़ी दिनों के बाद मेरा क्लास स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मैं वीडियो पर पूरा अपडेट नहीं दे सकती थी। लेकिन अब मेरे समर वैकेशन हो चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो करके देती रहूँगी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, क्योंकि आज गाँव में जो भी मेरे अलग अलग चीज़ मिलते हैं, मतलब कि दुकान से जो भी अलग चीज़ें मिलती हैं, और एक तरह हटके खाने का स्नैक्स चॉकलेट्स, मुझे जो भी अलग अलग थोड़ा जो शहरों में नहीं मिलता है, उस टाइप के मैं अलग वीडियो टेस्ट करने वाली हूँ, मतलब कि बनाने वाली हूँ। और आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कौन सा कैसा है और कौन सा कैसा, और मैं उन सबका आपका नाम भी बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कुछ खास तो मिल नहीं रहा था गांव में, लेकिन जो भी मुझे मिला है मैंने उसको अच्छे से चूज कर करके लिया है, क्योंकि मुझे अलग दिख रहा था बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसा नहीं जो मतलब शहरों में मिलता है, वैसा नहीं है, और कुछ ज़्यादा ही मैंने नहीं मिला है मुझे, क्योंकि मतलब मैं ढूंढ रही थी उसमें से क्या मुझे अलग मिलता है। लेकिन जितना मिला मैं उतना ही लाई हूँ, मतलब थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो बस इतना ही है, ये सारा चीज़ जितना मिला है मुझे गाँव में रहने वाला, मतलब कि जो चीज़ गाँव में स्पेशली मिलता है। और भी कुछ चीज़ें थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, मतलब अंकल से पूछा कि वो है तो बोले कि नहीं है, क्योंकि मैंने एक पूछा था, आपको नाम बता देती हूँ, भरपेट भोजन, जो कि पूरा फुल ऑफ पैकेजिंग होता है। और एक था लाल घगरा, जो कि पवन सिंह के सॉन्ग पे निकला था, लेकिन वो दोनों नहीं था। मैंने अंकल से पूछा तो बोले कि नहीं, वो ख़त्म हो गया, तो मैं दूसरे बिना मैं वही लेकर आ गई हूँ। करेंगे तो सबसे मिली मेरे पास अभी कुरकुरे में जो मतलब कि थोड़ा खाने वाला है वो ये है। सारा चीज़ खाने वाला है, लेकिन जो थोड़ा एक्सपेंसिव में है वो ये है। तो ये सिर्फ मिला मुझे 1 रुपये का, और इसका नाम है भोलेनाथ पकौड़ी। इसका नाम है भोलेनाथ पकौड़ी, मतलब कि आप नाम भी देख सकते हैं। ऐसा दिखता है, मतलब कि हॉट शेप का है, आपको यहाँ से दिखेगा, ये हर शेप का है। और मैं इसको ट्राई करके खाने वाली हूँ, मतलब कैसा इसका टेस्ट है। दो खा लेते हैं, एक से कुछ नहीं होने वाला मेरा। अच्छा है इसका टेस्ट, और मुझे मतलब इसका नमकीन टाइप का है, मसालेदार है, तो अच्छा है। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास जो कि है ये विनम जी का पकौड़ी, नहीं कटोरी, सॉरी विनय जी का कटोरी ये है। तो मैं अब इसको ट्राई करके देखने वाली हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपके, मैं आपको निकाल के रूपो दिखाती हूँ। तो ये कटोरी शेप का है, इसका नाम कटोरी रखा गया है। तो इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा हल्का है, मतलब उतना तीखा भी नहीं है, चलता है काम चलता है, मतलब काम चल सकता है इसके। ओके, ये भी ओके ओके है। इन दोनों में गाइस एक ही शेप का दोनों है, तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें कौन सा मतलब फारू पहले, बाद मैं देखती हूँ। मैं जा रही हूँ, मैंने रेड पहना था, इसलिए मैं सबसे पहले रेड को ही फाड़ूंगी, उसके बाद मैं येलो करती हूँ। नाम मैं आपको बताती हूँ, धनी हो सब धन तहरे न बाटे, मतलब ये एक सॉन्ग पे डेडिकेट है, मतलब कि जो पवन सिंह का सॉन्ग है उस पे है। और मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो ये सिर्फ 5 रुपये का है, और मैं पहले ट्राई करने उसके बाद मैं बताती हूँ। ये देखो गाइस, ये ऐसा बॉल दिख रहा है, मतलब कि छोटे छोटे बॉल होते हैं ना, बॉल टाइप के कुरकुरे उस टाइप में दिखता है। और ये ऐसा है, देखो थोड़ा मोटे मोटे सा, इसको ट्राई करते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन खाने के लिए हम लोग के लिए अच्छा है, मतलब कि ये आपकी हेल्थ के लिए एकदम हार्मफुल है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, खरीदे हैं। टेस्टफुल है, अच्छा है, आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा ही खाना। और अब मैं जा रही हूँ इसको ओपन करने, और इसका नाम है माही मार रहा है, मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, तो सल्यूट है। देखो मुझे पेन मिला जो
क्योंकि मेरे पास अभी बुक और कॉपी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे पेन मिला है, मैं इसको बाद में। इसमें लिखा भी है खाने से पहले मुंह अपना ले ले, तो मैंने ले लिया। अब इसको भी देखो आप, उसी की तरह है, ये भी बॉल की तरह है लेकिन उससे थोड़ा छोटा है, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक दोनों का टेस्ट एक ही जैसा है, इसलिए मैं एक और खा लेती हूँ। अब मेरे पास इन सारे चीज़ों के बस एक ही ऐसा रह गया है, और ये वो है, ये भी आपको बस एक रुपये मुझ में लिया था 1 रुपये में, और इसका नाम मैंने अंकल से पूछा तो वो बोल रहे हैं कोला नाम है इसका, तो इसका नाम कोला कोला रख देते वो तो ठीक है, था कोला अच्छा नहीं है, तो मैं इसको भी ट्राई करने आ रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है और मसालेदार है एकदम। अब बस मेरे पास थोड़े से ही रह गए हैं, जो कि है अब चॉकलेट्स और एक जो है खट्टा है, तो मैं अब उन सबको जल्दी से आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको करने वाली हूँ, और इसका नाम है मस्ती, और जो कि सिर्फ 2 रुपये का है, तो आई ट्राई। ये ना ऐसा है लेकिन ये गर्मी की वजह से थोड़ा पिघल गया है देखो, और ये चॉकलेट है ऐसा कि आप कुछ स्नैकर खाते हो वैसा ही है, बस इसका नाम अलग है। तो मैं सब खा के टेस्ट करती हूँ, बहुत ही टेस्टी है गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब जैसे स्नैकर रहता है एकदम वैसा ही है। और अब ये है मेरे पास बॉन्जो क्रॉन, जो कि है 5 रुपये का, और मैं इसको भी अब ट्राई करने वाली हूँ, चॉकलेट ही है तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ और आपको बताती हूँ। ये बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है, बट गर्मी की वजह से सब चीज़ पिघल चुका है, क्योंकि धूप में था इसलिए, तो ये ऐसा दिख रहा है कुछ, और इसके ऊपर से ऐसे डॉट 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 कुछ डाला हुआ है क्रंच टाइप का, तो मैं आपको ट्राई करती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी एकदम बकवास है, ये मेरा 5 रुपये लॉस गया। तो अब ये है छोटा सा चॉकलेट जिसका नाम है काजू टॉफी, और मैं जल्दी से ट्राई करके आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ मतलब बताती हूँ। और ये कुछ दिखने में ना ऐसा दिख रहा है, मतलब क्रीम कलर का, मैं थोड़ा जल्दी से दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसा ज़्यादा खास नहीं है, छोटे से चॉकलेट का बाहर है जिसका नाम है इक्लेयर्स, और अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। मुझे इक्लेयर्स बहुत पसंद है, लेकिन मतलब कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का मिलता है, और ये अलग है, ये भी मुझे लग रहा है वैसे ही कलर भी ऐसा ही है उसका एकदम सेम टू सेम, बट ट्राई करती हूँ। ऐसा ही है गाइस, सेम टू सेम, धोखा हो रहा है मेरे साथ, धोखा। और ये जो है मतलब कि कच्चा मैंगो, कच्चा आम, और ये दोनों तरफ मतलब कि दोनों मेरे तरफ मिल गया, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, इससे मैं इन दोनों को ट्राई नहीं करने वाली। और आई होप कि आप लोग ये खा ही होंगे, तो इसको रहने देते हैं। और बस एक लास्ट मेरे पास ये जलजीरा जिसका नाम है तुलसी जलजीरा, ये सिर्फ 1 रुपये का है, ये मतलब जलजीरा वहाँ पर मिलता है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन ये नहीं मिलता तो मैंने ये ले लिया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं, तो ये ऐसा मतलब दिख रहा है, ऐसा ही दिखता है जलजीरा, ऐसा ही दिखता है। और मैं पूरे को एक बार मैं खा रहा हूँ, मैंने इतने सारी चीज़ें खाए, अभी सबका पचन हो गया, मतलब कि सारा चीज़ें पच जाएगा आराम से। यही था मेरा कुछ छोटा सा चीज़, मतलब कि जो मुझे गाँव में अलग दिखा, मैंने उसको लिया और आपके साथ शेयर किया।
तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ को ट्राई किया, मतलब स्नैक्स चॉकलेट जो मैंने दिखाया है उसमें से आप कौन सा चीज़ ट्राई किया और कौन सा नहीं, आप उसे कमेंट करके बताना। और यहीं पर खत्म होता है वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।